अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू इंशाल्लाह। व्लॉग शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह जो गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, मुझे फॉल कर देखें। आपके सपोर्ट करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। जो मुश्किलात हैं वक्ती तौर पर वो ख़त्म हो सकती हैं, और अगर आप लोग फॉल कर सपोर्ट कर दें तो इंशाल्लाह बेहतरीन व्लॉग देखने को मिलते हैं आपको। बहुत अच्छे व्लॉग मैं बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज का व्लॉग भी बहुत मज़े वाला होने वाला है, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं और आज की रूटीन करते हैं शुरू। फिलहाल की सूरत हाल ये है कि अभी हमें सिटी के लिए निकलना है, वहाँ से कुछ काम है। एक तो खाद वगैरह उठानी है एक बोरी, और इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं काफ़ी सारे। एटीएम में भी जाना है और एक दो और जगह हैं वहाँ भी जाना है शहर में ही। तो निकलते हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जाना तो ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह निकलते हैं और जाकर आपके साथ भी शेयर करते हैं। शहर से होकर हम लोग वापस आ गए हैं, और तकरीबन कोई 6000 रुपये की एक बोरी मिली है खाद की। आप देखें कि दिमाग ही सुन्न हो जाता है, इतनी महंगाई है हद से ज़्यादा। शहर जाएं तो काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं, होते भी नहीं हैं पैसे, मुश्किल से बंदा करता है मैनेज। और इतनी महंगाई है कि हर चीज़ पर इतने पैसे लगते हैं कि बंदा सोच सोच के परेशान होता है बड़ी मुश्किल से। आप देखें कि चावल की फसल जब से मैंने काश्त की है तकरीबन कोई 30 से 40 हज़ार का खर्च हो गया है। काफ़ी सारी खाद डाली है, तकरीबन 4-5 बोरियां खाद डाली हैं, दवाइयां डाली हैं, और इसके अलावा ज़मीन का काम करवाया था इतना ज़्यादा। तो आप देखें कि कितना खर्च होता है मतलब काश्तकारी पर। तो अगर इंशाल्लाह चावल की फसल अच्छी हो गई तो ये जो सारे खर्च हुए हैं ये उतर जाएँगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि अच्छी होगी, इस बार रेट भी अच्छा होगा। आप सब भी दुआ करें, अल्लाह करे कि हमारी जो चावल की फसल है वो बिल्कुल कामयाब और अच्छी और बेहतरीन, उसका जो एवरेज है वो बेहतरीन हो, तो इंशाल्लाह सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अभी चावल की फसल में स्प्रे वगैरह किया जा रहा है ताकि गंदगी वगैरह जो अमूमन हो जाती है चावल की फसल में, गंदगी वगैरह हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाए। वो मनाजर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कितना ख़तरनाक काम है। आप देखें कि एक बंदा जहर भर कर जो कर रहा है स्प्रे वगैरह, वो कितना मुश्किल है।
तो दोस्तों आज के व्लॉग का मैं यहीं पर करता हूं एंड, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो रोज़ाना मैं इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आता हूं, इंशाल्लाह लेके आता रहूंगा। और कोशिश करें कि मुझे सपोर्ट करें, खोलकर चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चैनल पर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उन्हें मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।